यूं तो चोरी की घटनाएं आमतौर पर होती ही रहती हैं। चोरी किसी कीमती सामान की होती है, लेकिन राजनांदगांव में मुक्तिधाम में हुई चोरी की वारदात ने सबको हैरान कर दिया। मुक्तिधाम में चोरी की यह घटना पहेली बन गई है, ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। इस बीच इस वारदात को लेकर अलग अलग बातें भी हो रही हैं, जिस पर पर्दा डालना भी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। रिपोर्ट देखिए। जलती चिता पर किसकी नजर, चिता की बुझी राख में किसकी दिलचस्पी, शव की खोपड़ी किसने की गायब, धर्मनगरी में कौन कर रहा अधर्म। राजनांदगांव के मुक्तिधाम से शव की खोपड़ी गायब होने के बाद शहर में सनसनी फैली हुई है। शहर का प्रतिष्ठित अग्रवाल समाज सकते में है। मां बम्लेश्वरी मंदिर से लगे मुक्तिधाम में बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया गया। शाम 6 बजे तक परिवार के लोग मुक्तिधाम में मौजूद थे, तब तक सब ठीक रहा। अगले दिन परिवार के लोग अस्थि चुनने मुक्तिधाम पहुंचे तो खोपड़ी गायब मिली। 3 दिन पहले समाज के वरिष्ठ काका जी को अंत्येष्टि यहाँ पे हुई थी, और जिस दिन अंत्येष्टि उस दिन परिवार वाले शाम के 6 बजे तक तो यहाँ पे थे। उसके बाद जब वो दूसरे दिन सुबह अस्थि चुनने के लिए यहाँ आए, तब उन्होंने पाया कि अस्थि की मतलब पूरी चीता में से मुंडी गायब है करके। और ये दुर्भाग्यजनक है और दुखद भी है, लोगों के आस्था पारिवारिक आस्था का बहुत बड़ा मैटर है। शव की हड्डियां गायब होने का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी शव के साथ छेड़छाड़ की घटना हो चुकी है। मुक्तिधाम समिति घटना को लेकर आहत है और पुलिस और प्रशासन का सहयोग मांग रही है। इससे पहले भी ऐसे कुछ वारदातें हो चुकी है, नरेडी परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है, बिंदल परिवार में ऐसी घटना हुई है, तो समिति इस चीज से बहुत दुखी है। हम लोग यहाँ पे अपनी व्यवस्था एकदम बनाना चाह रहे हैं। अभी तक यहाँ की मुक्तिधाम अपडेट नहीं था, हम उसको अपडेट करना चाह रहे हैं। लोगों से सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं, प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पुलिस ने मुक्तिधाम में सीसीटीवी की व्यवस्था करने के साथ ही इलाके में गश्ती बढ़ा दी है। धाम समिति द्वारा छिड़पानी स्थित 100 के साथ छिड़खानी करने व वहाँ पे असामाजिक तत्वों के जमावड़ा लगे रहने संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। सौ दहन के पश्चात वहाँ पे लोगों की शिकायत है कि 100 के साथ छेड़खानी की जाने की आशंका दी है, तो इस पर पुलिस ने वहाँ पे नाइट में गश्त में चेकिंग करने और सामाजिक तत्व जो भी वहाँ पे बैठे रहते हैं कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और समिति वालों से भी बोला गया है कि वहाँ पे कैमरा सीसीटीवी लगाए ताकि कार्रवाई की जा सके। अब सवाल यह है कि आखिर शव की अस्थियों को कौन गायब कर रहा है, मुक्तिधाम पर किसकी नजर है, क्या ये तंत्र मंत्र करने वाले लोगों की कारगुजारी है या फिर असामाजिक तत्वों का किया धरा है। मुक्तिधाम के दुकानदार तंत्र मंत्र की बात से इनकार कर रहे हैं। हम लोग सुबह आ जाते हैं 7 बजे, शाम के 7 बजे तक रोपे चलता है, तब तक हम लोग यहाँ रहते हैं, फिर 7 बजे के बाद हम लोग चले जाते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ मुक्तिधाम में कौन आता है क्या करता है उसके बारे में अपने एक आइडिया नहीं है। क्या इसके पहले भी खोपड़ी ओपड़ी का यानी कुछ हो चुका है, चोरी या कोई ले जाना या तंत्र विद्या वाले, तो उनके बारे में अपने एक आइडिया नहीं है। जलती चिता के साथ तंत्र क्रिया करते बिलासपुर में एक महिला और पुरुष पिछले दिनों देखे गए थे। मुक्तिधाम में उनके मंत्र जाप ने लोगों को भयभीत कर दिया था और इस वजह से लोग काफी नाराज भी हुए थे। अघोरी या तांत्रिक होने की बात से भले ही मुक्तिधाम के दुकानदारों ने इनकार किया है, लेकिन फिर सवाल यह है कि शव की खोपड़ी गायब कैसे हुई, और जब तक पुलिस इस पहेली को सुलझा नहीं लेती तब तक ये गुत्थी बनी रहेगी। राकेश यादव, News 18, राजनांदगांव।